हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। अन्नपूर्णा किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से हाजिर हुई एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं आप लोगों को आज बताऊंगी भरवा प्याज के पकोड़े बनाना, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ले लें प्याज। प्याज को बीच से कट करके एक एक परत को ऐसे निकाल के ले लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसी लगी। तो बस अब इसके मसालों को रेडी कर लेंगे। अब मैंने यूज़ किया है फ्राई पैन। फ्राई पैन को ले लेंगे, उसको गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद उसमें डाल देंगे रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल जब तक गर्म होता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने आलू को पहले से बॉयल कर रखे थे। तो यहाँ पर मैं अब डालूँगी, मेरा तेल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा। थोड़ा सा जीरा ऐड कर लेंगे। जब वो ब्राउन हो जाएगा तो इसमें 3 से 4 हरी मिर्च कट करके इसमें ऐड कर लेंगे। इसको हम हल्का ऐसे चला के पका लेंगे। इसके बाद बारीक कटे हुए प्याज को इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, हल्का सा ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। इसको जब हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, मसालों को ऐड कर लेंगे। मसाला ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी। हल्का से हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद धनिया पाउडर इसमें छोटा चम्मच से, तो एक चम्मच फिर मैंने इसमें मसाला ऐड किया। हमारा तैयार गया थोड़ा सा गर्म मसाला। अब इसके बाद इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर अब इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने बॉयल किए हुए आलू रखे हैं उसको मैश करके इसमें ऐड कर लेंगे। एक एक करके मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ऐसे ही मसालों को तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और नया नए तरीके का नाश्ता खाना सबको बहुत ही पसंद होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इन सभी को मसाले में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मसाला भून चुका है और आलू उबले हुए हैं। तो इसको बस कर लिए, बस मिला के थोड़ी देर बाद इसको देखिए ऐसे मिला लेंगे। ये पक के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम बंद कर देंगे। इसमें बंद करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैश कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी क्या करेंगे, स्टफिंग करेंगे। वीडियो जब तक आप पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ आएगा, तो इसलिए आप वीडियो में पूरा बने रहिए। मैंने यहाँ पे जो प्याज कट करके रखे थे अब हम क्या करेंगे, प्याज में ऐसे भर लेंगे। ये देखिए बंद कर देंगे। मैंने छोटे छोटे प्याज को यूज़ किए हैं, आप लोग पर बड़े बड़े प्याज को भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी प्याज कट करें उसका दो जो हिस्सा होता है, एक एक बड़ा बड़ा हिस्सा एक तरफ करिएगा। मैं थोड़ा सा भूल गई मैंने कौन सा कहाँ रखे थे, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर भरने में परेशानी हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे मसालों को भर भर के। ये देखिए ये मिल गया। अब हम ऐसे ही बाकी का भी भर एक एक करके भर लेंगे। एक एक करके ऐसे ही सभी चीज़ों को ऐसे बंद कर लेंगे और इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एक एक करके मैं बता रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। आप लोग वीडियो को अगर भगा देंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। फिर तो जब अगर आप लोग बनाएंगे तो कोई मिस्टेक होगा तो बोलेंगे कि ये मेरा तो गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में मेरे बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके कैसे भर रही हूँ। आप लोगों को भी ऐसे एक एक करके भर लेना है। ये देखिए मैं एक एक करके ऐसे देख रही हूँ किस पे का कौन है। ये मिल गया, इसको ऐसे कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को फाइनली पूरा भर के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी प्याज में मसालों को भर दिए हैं। तो यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसके लिए अब मैं एक और चीज़ बनाऊँगी। यहाँ पे ब्रेड है,
तो अब मैं ब्रेड को भी ऐसे साइड साइड से कट कर लूँगी। क्योंकि दो चार ब्रेड हैं तो मैं भी इसको भर के दिखाऊंगी। अब मैंने चारों तरफ से इसको कट कर ली हैं। अब इन सभी को हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे। अब एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करके, जो हमने आलू का बेसन तैयार किए हुए, इसको ऐसे डाल डाल के आप कोई भी डिज़ाइन दे दीजिए। तो ये मेरा एक गोलाकार वाला रेडी हो चुका है। ऐसे तरीके से बाकी को भी हल्का हल्का बेल के हम भर लेंगे। ये देखिए, ये मैं भर चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को पूरा फाइनल दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये प्याज वाला जो प्याज का भरवा हो गया, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ब्रेड को भी भर के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब इन सबको फ्राई करने के लिए मेन चीज़ है बेसन। तो मैं बेसन, ये बेसन को तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप बेसन। यहाँ मैंने 1 कप बेसन ले लिया। फिर मैंने लिए 1 बाउल। बाउल में बेसन को निकाल लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें कुछ मसालों को ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर को ऐड कर लिया है। इसके बाद हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें हल्का सा मसाला है, फिर इसमें हल्का सा धनिया पाउडर हल्का सा, और मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर दिए। इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने जो 1 कप, यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक लेना भूल गई। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर लूँगी। तो मैंने जिस कप से बेसन लिए थे उसी कप से मैंने पानी ले लिए हैं। पानी उतना यूज नहीं होगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी करके उसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक अच्छा सा, बिल्कुल पतला नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा ही बैटर तैयार कर लूँगी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसको ऐसे चला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारा एक बढ़िया सा बैटर बन के रेडी हो जाएगा। एक साथ पानी डालेंगे तो इससे क्या होगा, बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ठीक से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है। जैसे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर ली हूँ। ऐड करने के बाद इसको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इसको फटाफट से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो सब लोग बहुत पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा और बहुत सारी चीज़ें बना बना के खाते हैं, लेकिन एक बार ऐसे प्याज को भर के और उसको बेसन में छान के खाइएगा तो देखिएगा इसका कितना अलग ही स्वाद होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो मैं, वो हो चुका है मेरा बैटर रेडी। तो अब मैं क्या करूँगी, पैन ले लूँ पैन को। अब मैं इसमें डाल दूँगी रिफाइन ऑयल, इसको गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, छानेंगे पकौड़े को। तो मैं अब आप लोगों को दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कैसा करना है। यहाँ देखिए, मैं बेसन में प्याज को डाल दी हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे अब चेक करेंगे कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए, मेरा गर्म हो चुका है, इसलिए जो मैं डाली थी वो तुरंत ऊपर आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक एक करके डाल देंगे। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं एक एक करके यहाँ पे डालेंगे। तेल को एकदम मीडियम फ्लेम पर रखना है, इससे क्या होता है बहुत ही अच्छा और कुरकुरा पकौड़े बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ देखिए, अब मैं इसमें एक एक करके ऐसे डाल लूँगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म रहेगा तो वो पकड़ेगा नहीं। आप लोग जो वो खाते हैं ना बाज़ार में, वड़ा पाव ये सब खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगेगा आप लोगों को खाने में। तो ये, इसको हम क्या कहेंगे,
प्याज का वड़ा भी कह सकते हैं इसके। इसको हम जब प्याज के साथ खाएंगे तो ये प्याज वड़ा पाव हो जाएगा। देखिए सुनने में ही कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जब आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ जो समोसा वमोसा खाते हैं ना तो आप लोग खाना बिल्कुल भूल ही जाएंगे। इतना अच्छा और इतना बढ़िया लगेगा कि लोग एक बार जो खाएगा ना वो आपकी तारीफ तो ज़रूर से ज़रूर करेगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और कितना बढ़िया लग रहा है। एकदम टेस्टी भी होता है और ये हेल्दी भी है, बहुत ही बढ़िया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नाश्ते में बना के खा सकते हैं। आप हर संडे को भी बना के इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। आप लोग क्या करेंगे, इसका जो बेसन होता है आलू का वो सब तैयार कर लीजिए, बाकी तो इसको भर के छानना ही होता है। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो हल्का हल्का प्याज दिख रहा है उस पर थोड़ा थोड़ा बेसन डाल देंगे। यहाँ पर मैं डाल दी हूँ। अब इसको क्या करेंगे, ये मेरा जो तेल है वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये अब हम इसको एक एक करके पलट लेंगे। आप लोग खुद देखेंगे हल्का हल्का फूल जाएगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं अब इनको एक एक करके पलट लूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा। अगर आप लोगों को कोई और चीज़ की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को बना के ज़रूर बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे एक एक करके ऐसे पलट लूँगी। इसको भी हल्का हल्का देखिए पकना शुरू हो गया है, हल्का हल्का हमारा ब्राउन हो रहा है। अब जब ये ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन, तब हम इसको एक प्लेट में छान लेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये इसको पका लेंगे। ये जो चक्का है मैं इसको ऐसे छुड़ा रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़िद्दी है पकौड़े कि आपस में चिपके के चिपके ही हैं, अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए ऐसे ही हम इसको पलट पलट के अच्छे से पका लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बिल्कुल कुरकुरा लगेगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। एक एक करके देखिए मैं यहाँ पलट दे रही हूँ। देखिए कितना गोला गोला जैसा लग रहा है और थोड़ा फूला फूला भी लग रहा है। ये देखिए जिद्दी लोग तो मान ही नहीं रहे हैं भाई, आपस में चिपके के चिपके हुए हैं, लेकिन मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ, मैं इनको छुड़ा के ही मानूंगी। ये कितना बढ़िया और कितना अच्छा पक रहा है। ऐसे ही पलट पलट के पका लेंगे। आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, ये नहीं कि हाँ फ्लेम को हाई करके फटाफट से छान लेंगे तब वही क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, अगर अच्छा खाना है तो वेट तो करना पड़ेगा। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया पक रहा है। हम इसको क्या करेंगे, बराबर चेक करते रहेंगे ये ब्राउन हो। देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है, हो चुका है भाई। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये फूल भी गया है। ये देखिए लग रहा है ना वड़ा, वड़ा जैसा लग रहा है ना, फूला फूला। और आप लोग क्या कहते हैं वो कुछ तो कहते हैं जो कि मुझे अभी नहीं याद आ रहा है।
क्या कहते हैं वो, फुले फुले टिक्की या ऐसे कुछ कहते हैं। ये कितना अच्छा पक रहा है, ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी इसको एक बार और फिर से चला के, अब हम क्या करेंगे इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हो चुका है बिल्कुल बढ़िया पक के, रेडी हो चुका है। ये देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है और फुला फुला हो गया है, ये बहुत बड़े बड़े भी दिख रहे हैं। इसको हरी चटनी के साथ खाइए या फिर टोमेटो सॉस के साथ, या लाल चटनी हो तो उसके साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगेगा। हम इसको अभी क्या करेंगे प्लेट में निकालेंगे। पहले मैं आप लोगों को क्या करूँगी एक बार दिखा दूँगी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। ये प्याज भी हल्का हल्का दिख रहा है कितना, और कलर कितना बढ़िया आया है, आप लोगों को बता नहीं सकते। मैं यहाँ पे अब लूँगी एक प्लेट, अब उसको ऐसे निकाल लेंगे। एक बार मेरे तरीके, अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा मेरे नई रेसिपी, और फिर मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक। या मैं निकाल लूँगी, बाकी को निकालने के बाद जो मैंने ब्रेड में बेसन डाल के उसको तैयार किए थे उसको भी इसी प्रकार से छान लेंगे। ये जो छोटे छोटे हैं ना इनको भी निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे अंदर तेल में। तो मैं आप लोगों को अब दिखा देती हूँ, ये देखिए छन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं फिर से अब क्या करूँगी उन सब ब्रेड को भी ऐसे ही बेसन में लपेट के पैन में डाल दूँगी। ये देखिए मैं बेसन में लपेट ली हूँ, अब इसको ऐसे डाल लेंगे जो बचा हुआ बेसन है ना। ये देखिए जो बचे हुए बेसन है मैंने उसको भी ऐसे डिजाइन में ऐसे डाल देंगे, खाने में बहुत ही कुरकुरा लगेगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसको भी ऐसे ही पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। जब इसको खाएंगे ना तो ये बहुत बढ़िया टेस्ट लगेगा इसका, और मुँह में तुरंत ही घुल जाएंगे क्योंकि इसे ब्रेड से बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है और कितना बढ़िया लग रहा है, कलर आप लोग खुद देख सकते हैं, एक बार बना के देखिएगा। मैं आप लोगों से कह रही हूँ बहुत बढ़िया लगने वाला है ये, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में बिल्कुल। ये बन के रेडी हुआ है, इसका कलर तो बिल्कुल बढ़िया ही आया है। तो फिर आप मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी।